लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां दलित वोट बैंक साधने के लिए जुट गई हैं। दलित वोटरों को साधने के लिए पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं अब बीजेपी ने भी इसका जवाब देने की तैयारी की है। बीजेपी 7 अप्रैल को कौशाम्बी जिले में 2 दिवसीय महोत्सव मनाएगी। इसी में दलित सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीजेपी के इस कदम को दलित वोट बैंक साधने की कवायद बताया जा रहा है। ये सत्य है कि पूरे तौर से दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्तमान में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं बना करके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो अंत्योदय जो विकास की मुख्य धारा से हमारा अनुसूचित समाज वंचित रहा या जो भी रहा गरीब सभी जाति में होते हैं, और अम्बेडकर जी ने कहा था कि शोषित पीड़ित समाज के लिए उसे दरिद्र नारायण अर्थात नारायण मान करके उसकी सेवा करना है, तो ये सपना दोनों लोगों का अगर कोई पूरा कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे आदरणीय योगी जी। कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन यहाँ के सांसद विनोद सोनकर कर रहे हैं, जो कि बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौशाम्बी में दलित सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रदेश में एसपी दलित और ओबीसी मतदाताओं को साधने में जुटी है। वहीं बीजेपी भी दलित सम्मेलन के जरिए उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी के वोटों में सेंध मारने की फिराक में है। यूपी में दलित बीएसपी का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में उसने बीजेपी का साथ दिया है। दलितों पर कभी मजबूत पकड़ रखने वाली मायावती इन दिनों राजनीति में हाशिए पर चल रही हैं। यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक बेहद अहम है। सूबे में दलितों की आबादी करीब 20% है। इसमें सबसे ज्यादा 55% आबादी जाटव समाज की है। प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पिछली बार बीजेपी को 14 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। ऐसे में बीजेपी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का दावा कर रही है। अब तक लोहियावाद के सहारे अपनी राजनीति करती आई समाजवादी पार्टी अब अंबेडकर विचारधारा को भी साथ में ले रही है। वहीं बीजेपी ने भी सियासी चाल चलते हुए अपना दांव चला है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियां दलितों को लुभा पाने में कितना कामयाब हो पाती हैं। चुनाव आज तक।